चलते भाई पता नहीं सर, मैं 5:30-6 बजे दुकान बंद करके पूरी चले गया था और लाइट पूरी ऑफ थी मेरी, सब कुछ ऑफ करके चला गया था मैं। तो और 6-7 बजे मैं रूम में चला गया था, खाना खाना बनाने लगा। उसके बाद कुछ बंदों ने मेरे को फ़ोन किया कि तेरी दुकान से धुआं निकल रहा है। मैंने बोला मैंने तो सब कुछ ऑफ किया हुआ है, लेकिन जैसे मैं दुकान पर पहुँचा तो देखा आगे आग लगी हुई है दुकान पर। कहाँ से ये आग लगी, कहाँ से लगी, और मेरा पूरा सिस्टम जो दुकान का था मैंने पूरा बंद करके रखा हुआ था। मैं यही अपील करता हूँ कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये आग कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई, इसको कंफर्म करना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने पूरी लाइटें ऑफ की हुई थी अपनी और मैं 6 बजे दुकान बंद करके पूरे रूम में चला गया था। मेरी लाइटें पूरी ऑफ थी, मैन स्विच मैंने ऑफ किया हुआ था, पूरा सब कुछ ऑफ था मेरा। एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहता हूँ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये आग कहाँ से आई, अपील करना चाहता हूँ कि आग कहाँ से आई, और मैंने तो पूरी अपनी ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं एक अपने कर्जदार हूँ और किसी से लोन लेके, किसी से उधार पैसे लेके मैं दुकान चला रहा था। मैं सुंदरवानी का रहने वाला हूँ और मेंटर में दुकान कर रहा हूँ। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि इसकी पूर्व कार्रवाई की जाए कि ये आग कहाँ से आई, कहाँ से गई, कैसे किसने लगाई, और मेरा मैन स्विच पूरा ऑफ था और मैंने कई लोगों से स्टैंड हुआ था मैं, लेकिन जैसे ही स्टैंड हुआ वैसे ही 4-10-15 दिन के बाद मेरी दुकान को आग लग गई, और इसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि ये आग कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई, और मैं कर्जदार हूँ अभी भी 10-15 लाख 20 लाख के अंदर में डूबा हुआ हूँ।